आपके स्मार्टफोन में कई तरह के कंपोनेंट हैं जो दर्जनों अलग अलग काम कर सकते हैं और इन सभी कंपोनेंट के बीच में ब्रेन है और फंक्शंस एक चिप पर सिस्टम है या संक्षेप में एस ओ सी है जब आप इस तरह का वीडियो देखते हैं या देश भर में किसी मित्र को फोन करते हैं या जीपीएस का उपयोग करके किसी शहर के बीच में घूमते हैं तो यह जादू या विदेशी तकनीक की तरह लग सकता है लेकिन वास्तव में टेक्नोलॉजी की ये कर्तव्य इस एस के अंदर किए गए हैं जिसे की कड़ी मेहनत से डिजाइन और निर्मित किया गया है अनगिनत वैज्ञानिक और इंजीनियर के द्वारा इस इस एपिसोड में हम प्रत्येक अनुभाग का पता लगाने जा रहे हैं एसओसी के और फिर प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ दें कि चिप पर यह सिस्टम कैसे चलता है जब आप कुछ करते हैं तो जैसे कि एक तस्वीर लेना और इसे ऑनलाइन पोस्ट करना यह चिप्स बहुत ज्यादा जटिल हैं क्योंकि पांच से दस बिलियन ट्रांजिस्टर इसके बीच है जो एसओ बनाते हैं और उन सभी को एक पैसे के आकार के क्षेत्र में फिट होने की जरूरत है यह एक कॉम्प्लेक्स विषय है और ऐसे कई रास्ते हैं जिन्हें हम खोज सकते हैं लेकिन आपके दिमाग पे ज्यादा भार न डालने के लिए हमने निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने का निर्णय लिया है सबसे पहले हम कुछ नोट्स और चेतावनियों के साथ शुरू करेंगे और फिर हम लेआउट में जाएंगे एक चिप्पा सिस्टम के प्रमुख भागों की इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि एसओसी के माध्यम से डेटा कैसे फ्लो करता है जब आप एक तस्वीर लेते हैं तो क्या होता है उदाहरण का उपयोग करके फिर हम कुछ जटिलता को देखेंगे SoC के के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्लॉक अंदर और अंत तक बने रहें जहां हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक और इंजीनियर कैसे इन माइक्रोचिप्स का डिजाइन और निर्माण करते हैं और हम यह पता लगाएंगे कि एसओसी का नैनोस्कोपिक दृश्य कैसा दिखेगा इस विजुअलाइजेशन की तुलना में तो इस वीडियो के लिए एक स्नैक ले बैठे और यदि आपको यह अच्छा लगे तो शायद कुछ नोट्स ले क्योंकि यह एक बहुत ही गहन और अविश्वसनीय रूप से डिटेल वीडियो होने जा रहा है शुरू करने के लिए यह वीडियो गर्बर लैब्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के एक तेज विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के प्रदाता आगे यह माइक्रोचिप वास्तव में दो प्रमुख भागों से बना है सबसे ऊपर डी रैम या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो आपके स्मार्टफोन की वर्किंग मेमोरी है और सबसे नीचे एस ओ सी है आपके स्मार्टफोन का दिमाग आपकी जानकारी के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां आपके सभी सॉन्ग्स एप्स फाइलें और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है यहां फ्लैश स्टोरेज में है उस माइक्रोचिप पर हमारे पास एक अलग एपिसोड है जिसे आप इसे यहां देख सकते हैं लेकिन इस एपिसोड में हम एसओ सी पर ध्यान देने जा रहे हैं इस सेटअप को पैकेज ऑन पैकेज माइक्रोचिप या पीओपी पी कहा जाता है तकनीकी रूप से यह माइक्रोचिप है और डी रैम की अलग पड़ते हैं और एसओसी प्रत्येक को डाई कहा जाता है हालांकि चिप शब्द का विकास विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए हुआ है जबकि ये सभी रेक्टेंगल शेप माइक्रोचिप्स या चिप्स हैं। चिप पर डी रैम और सिस्टम दोनों को चिप्स भी कहा जाता है भले ही वे कुल पैकेज का आधा हिस्सा हो पैकेज माइक्रोचिप पर आगे बढ़ते हुए हम तुलना या उपमाएं बना सकते हैं स्मार्टफोन और इंसानों के बीच उदाहरण के लिए हमने एसओसी को मस्तिष्क कहा है या कैमरे को मानव आंख के समान माना जा सकता है हालांकि ये दो बहुत बहुत अलग प्रणालियां हैं और जबकि उपमाएं उपयोगी वैचारिक उपकरण हो सकती हैं एसओसी के पीछे बुनियादी सिद्धांत और मानव मस्तिष्क और वे कैसे काम करते हैं पूरी तरह से अलग है अंत में इन एसओसी को डिजाइन करने वाली कंपनियां ये कैसे काम करते हैं और इसका वास्तविक डिजाइन कैसा दिखता है इसके बारे में अविश्वसनीय रूप से गुप्त है इस लेआउट को डिजाइन करने में दर्जनों विभिन्न कंपनियां लगती हैं एक फोन के कार्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अर्बो ट्रांजिस्टर और हमारे सभी फोन द्वारा उपयोग किए जाने वाले अरबो चिप्स बनाने के लिए कंपनियों का एक अलग समूह तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे जो हम कर सकते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी गोपनीयता को देखते हुए परिणाम स्वरूप यह जानकारी विभिन्न जगहों से मिश्रित और एक साथ बुनी जाएगी उदाहरण के लिए यह 2015 का एल जी वी टेन स्मार्टफोन है और यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808 का उपयोग करता है लेकिन इस पर जानकारी की सीमित उपलब्धता के कारण हमें इमेज और सूचनाओं का उपयोग करना होगा आईफोन एक्स और आईफोन इलेवन में एप्पल ए और ए माइक्रोचिप साथ ही सैमसंग एस में Qualcomm Snapdragon 865। इन सभी माइक्रोचिप्स में अलग अलग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है और विभिन्न क्षमताएं। लेकिन मूल रूप से वे समान सिद्धांतों पर काम करते हैं ठीक है इन सभी नोट्स को कवर करने के साथ आइए हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि यह सिस्टम एक चिप पर कैसे काम करता है एक मानव मस्तिष्क के अलग अलग खंड होते हैं आपकी आंखों और कानों द्वारा प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करना भाषण के लिए एक अलग खंड आपके स्वाद को नियंत्रित करने के लिए बोलने चलना संभलना अनैच्छिक कार्य आदि बल्कि इसी तरह चिप पर यह प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है यहां एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जिसे ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है एसओसी में प्रमुख क्षेत्र है सीपीयू जिसमें कई कोर होते हैं जीपीयू ग्राफिक्स प्रदान करता है शेयर्ड मेमोरी कैश जो आमतौर पर चार से आठ मेगाबाइट के आसपास होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो स्पीकर जैसी चीजों के साथ इंटरफेस करता है माइक्रोफोन सेंसर और कई अन्य चीजें डिस्प्ले इंजन जो टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ कम्युनिकेट करता है वीडियो प्रोसेसर जो इमेज और वीडियो को कॉम्प्रेस और डी करता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक सक्षम करता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर जो कैमरों द्वारा लिए गए फोटोस और वीडियो को प्रोसेस करता है मॉडेम जो विभिन्न वायरलेस नेटवर्क के साथ इंटरफेस करता है स्टोरेज कंट्रोलर जो जानकारी को सेव और लोड करता है, है मेमोरी कंट्रोलर जो जुड़ता है इसके ऊपर स्थित डी रैम माइक्रोचिप से सिक्योरिटी से। एनक्लेव जो इनक्रिप्शन करता है और सार्वजनिक और निजी चीजों को देखते रहता है कई कार्य जैसे घड़िया टेम्परेचर सेंसर पोर्ट और जनरल पर्पस इनपुट और आउटपुट हमेशा चालू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट और अंत में नेटवर्क ऑन चिप या एनओसी जो एसओसी के माध्यम से डेटा के बहने का प्रबंधन करता है डी रैम और फोन के अन्य हिस्से इसके अलावा कुछ एसओसी में ऑनबोर्ड पावर मैनेजमेंट सर्किट हो सकते हैं जो एसओ सी के बाहर अलग अलग चिप्स द्वारा किए गए पावर प्रबंधन का पूरक है इसके अतिरिक्त कुछ एसओसी जैसे कि एप्पल एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का एक एनपीयू है जो विशेष सर्किट्री है जो मशीन लर्निंग एलगोरिदम को चालू कर सकता है सीपीयू की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से एक कंफ्यूज करने वाला विवरण यह है कि एसओसी की विभिन्न पीढ़ियां विभिन्न मार्केटिंग नामों का उपयोग करके और कई कार्यों को विभिन्न कार्यात्मक ब्लॉकों में मिलाती हैं उदाहरण के लिए यहां स्नैपड्रैगन 808 का ब्लॉक डायग्राम है स्नैपड्रैगन 865 के डायग्राम के साथ और यहां एप्पल के ए चिप के लिए ब्लॉक डायग्राम है प्रत्येक कंपनी की मार्केटिंग टीम अलग अलग ब्लॉक डायग्राम प्रदान करने का निर्णय ले सकती है उपभोक्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश करना जो कई बार निश्चित रूप से भ्रमित करने वाला हो सकता है आइए आगे बढ़ते हैं और वास्तविक जीवन के उदाहरण का पता लगाते हैं कि डेटा कैसे चलता है आपके स्मार्टफोन के आसपास जब आप कोई तस्वीर लेते हैं लेकिन उससे पहले एक जल नोट अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आता है या यदि आपको लगता है की यह एक उपयोगी शिक्षण उपकरण है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें साथ ही इसे दूसरों के साथ शेयर करें आपकी मदद से हम इस वीडियो पे ले सकते हैं दस हजार कमेंट और एक लाख से अधिक लाइक्स लेकिन अभी के लिए चलिए वापस आते हैं यह समझने के लिए कि जब आप अपने स्मार्टफोन पर तस्वीर लेते हैं तो क्या होता है सबसे पहले दृश्य से फोटोन कैमरे के लेंस में प्रवेश करते हैं एक कलर फिल्टर एरे के माध्यम से बहते हैं और सेंसर के फोटो डायोट पिक्सल को हिट करते हैं ये कलर फिल्टर फोटोन प्रत्येक फोटो डायोट द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और एक एनालॉग इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित होते हैं जिसे बाद में एक डिजिटल 12 बिट बाइनरी वैल्यू में बदल दिया जाता है 12 मेगापिक्सल कैमरे की इमेज में ऐसे 12 मिलियन 12 बिट बाइनरी वैल्यूज हैं। ध्यान दें कि प्रत्येक पिक्सल या तो लाल या हरा या नीला है और इस प्रकार की पूरी इमेज को रॉ माना जाता है अभी भी इसे कई इमेज प्रोसेसिंग चरणों से गुजरना पड़ता है रॉ इमेज से पहचानने योग्य इमेज में बदलने के लिए जहां प्रत्येक पिक्सल में लाल और हरा और नीली वैल्यू होती है लेकिन इन प्रक्रियाओं के होने से पहले इस इमेज डेटा को कहीं स्टोर किया जाना चाहिए और परिणाम स्वरूप इसे स्मार्टफोन की वर्किंग मेमोरी या डी रैम में भेज दिया जाता है ऐसा करने के लिए डेटा कैमरे से एस में प्रवेश करता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस या एम के माध्यम से जो लगभग पांच से आठ गीगाबाइट प्रति सेकेंड की गीगाबाइट से डेटा भेज या प्राप्त कर सकता है यह इमेज डेटा फिर नेटवर्क द्वारा चिप मध्यस्थ पर रूट किया जाता है एसओसी के माध्यम से मेमोरी कंट्रोलर और डी रैम में जो कि पहले बताया गया है एसओसी के ऊपर पर स्थित है ध्यान देने योग्य सबसे पहले एसओसी और डी रैम के बीच डेटा पद चीज द्वारा शेयर किया जाता है इसमें यह नेटवर्क ऑर्बिटेटर का काम है अनकंप्रेस्ड रॉ इमेज के आने वाले सेंसर डेटा को प्राथमिकता देने के लिए ताकि कोई कैमरे से खो ना जाए इस प्रकार ऑर्बिटेटर रॉ इमेज को सीधे डी रैम में भेजता है दूसरा एक 12 मेगापिक्सल अनकम्प्रेस्ड रॉ इमेज लगभग 24 मेगाबाइट लेती है हालांकि एस पर मेमोरी कैश आमतौर पर चार से आठ मेगाबाइट होता है और एसओसी पर सभी प्रक्रियाओं के बीच बांटा जाता है इसलिए जब इमेज सिग्नल प्रोसेसर या वीडियो प्रोसेसर काम करता है हाल ही में ली गई तस्वीर को देखने योग्य बनाने के लिए या इसे कंप्रेस करने के लिए वे केवल पूरी इमेज के छोटे हिस्सों पर काम कर सकते हैं पूरी इमेज को अस्थायी रूप से डी रैम में स्टोर करके है वीडियो देखने के दौरान भी ऐसा होता है वीडियो गेम खेलना या किसी ऐप का बहुत अधिक उपयोग करना ठीक है चलो कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर के रॉ इमेज डाटा पर वापस आते हैं जो एसओ सी के माध्यम से मेपी को भेजा गया और डी रैम में स्टोर किया गया अगला चरण इमेज सिग्नल प्रोसेसर या आई एस पी के लिए है एसओ सी पर रॉ अनकंप्रेस इमेज डेटा को पढ़ने के लिए और इमेज प्रोसेसिंग चरण निष्पादित करें इन चरणों में पहले गहरे रंग के पिक्सल को ठीक करना शामिल है लेंस शेडिंग के कारण सेंसर के किनारे पर फिर आई डेमोसाइजिंग प्रक्रिया करता है जिसमें इमेज डेटा लेना शामिल है और कैमरे के रंग फिल्टर पर पैटर्न और प्रत्येक पिक्सल के लिए लाल हरे और नीले वैल्यूज को कैलकुलेट करना इसके बाद इमेज सिग्नल प्रोसेसर इमेज को स्पष्ट करता है तेज करता है, बढ़ाता है और रंग सही करता है क्योंकि लाल हरा और नीला फिल्टर कैमरे के साथ सीधे लाल हरे और नीले पिक्सल के रंग से मेल नहीं खाता डिस्प्ले में और अंत में इमेज सिग्नल प्रोसेसर टोन इमेज को मैप करता है इन सब के बाद हमारे पास 12 मिलियन पिक्सल वाली तस्वीर है प्रत्येक 8 बिट लाल हरे और नीले मान के साथ आपकी स्क्रीन पर इमेज को तुरंत दिखाने के लिए कुछ और स्टेप्स शामिल हैं। आरजीबी इमेज डेटा इमेज सिग्नल प्रोसेसर से लिया जाता है जीपीयू को भेजा जाता है जहां यह ग्राफिक्स में जाता है कैमरा ऐप के और स्क्रीन में फिट करने के लिए बढ़ाया गया परिणामी आर वैल्यू डिस्प्ले प्रोसेसर को भेजे जाते हैं और फिर इमेज को डिस्प्ले पर भेज दिया जाता है जहां इसे वर्तमान की तीव्रता पर परिवर्तित किया जाता है लाल हरे और नीले पिक्सल के संगत पैटर्न को रोशन करने के लिए और वहां कैमरे द्वारा ली गई एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखती है लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। आपके स्मार्टफोन में पिक्चर कैसे सेव होती है खैर पहले तस्वीर को कंप्रेस करने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए अभी डी रैम में रहने वाले अनकम्प्रेस्ड इमेज को एक समर्पित वीडियो कोडिंग प्रोसेसर को भेजा जाता है जहां यह पहले लाल हरे और नीले वैल्यू से परिवर्तित हो जाता है YUV या ल्यूमिनेंस ब्लू क्रोमिनेंस और रेड क्रोमिनेंस वैल्यू में अगला यह डाटा जानकारी को हटाने के लिए एल्गोरिदम की एक ऑर्डर से गुजरता है जो मानव आग से दिखता नहीं है और इमेज को कंप्रेस करता है लगभग तीन मेगाबाइट जेपीई फॉर्मेट में यह कंप्रेस इमेज वापस डीरा में भेजी जाती है और फिर लंबे समय तक स्टोर के लिए स्मार्टफोन की फ्लैश मेमोरी में, में भेज दिया अब यदि आप यह इमेज किसी मित्र को भेजना चाहते हैं कॉम्प्रेस इमेज वापस डी रैम में लाई जाएगी और फिर उस मॉडम में भेजा जाता है जहां इसे विभाजित किया जाता है और पैकेट में इकट्ठा किया फिर 4G, 5G या वाईफाई माइक्रोचिप पर भेजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में परिवर्तित और सेलुलर या वाईफाई नेटवर्क को भेजा जाता है एक चीज जिसके बारे में हमने बहुत बात की वह है एसओ के माध्यम से डेटा की मूवमेंट ब्लॉक के बीच यह सारा डेटा मूवमेंट चलता है चिप पर नेटवर्क के हिस्से पर तारों को जोड़ने पर इस नेटवर्क में शेयर्ड एक्सेस के लिए राउटर और स्विच है डी रैम जैसे मार्गों और लक्ष्यों के लिए राउटर और स्विच डेटा के फ्लो में स्विच करते हैं और डिजिटल ट्रैफिक लाइट की तरह काम करते हैं और रास्ते डिजिटल हाईवे की तरह काम करते हैं इन हाईवे की अलग अलग चौड़ाई होती है वे किससे बात कर रहे हैं और उसके आधार पर जानकारी की मात्रा जिसे भेजने की आवश्यकता है आवश्यक डेटा रेट्स के आधार पर आमतौर पर 128 या 256 सौ छप्पन तार के एक दूसरे के समानांतर चलते हैं एक बार में एक बिट ले जाना और 500 और 1500 मेगाहर्ट्ज के बीच ऑपरेट करना अपने स्मार्टफोन की बैटरी से बिजली की बर्बादी से बचने के लिए चिप रैम पर नेटवर्क ऊपर और नीचे निर्भर करता है आपके द्वारा चलाए जा रहे एप्लीकेशन की आवश्यकताओं पर और इस सुविधा को डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कहा जाता है इससे पहले कि हम सीपीयू की खोज करें और देखें कि इन चिप्स को कैसे डिजाइन और निर्मित किया जाता है आइए एक छोटा ब्रेक लें और इस वीडियो के स्पॉन्सर गरबर लैब्स के बारे में बात करें प्रत्येक एसओसी अपना रास्ता बनाता है बाकी चीजों के साथ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो विभिन्न सर्किटों की एक एक विशाल एरे बनाने के लिए एक साथ रखे जाते हैं आप अपना खुद का क्रिएटिव सर्किट शुरू कर सकते हैं गर्बल लैब से एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाकर गर्बल लैब्स की स्थापना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए की गई है वे बोर्ड प्राप्त करना आसान बनाते हैं लगातार गुणवत्ता त्वरित बदलाव और विश्वसनीय शिपिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपने ऑर्डर के लिए डिस्काउंट कोड प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है तो अब तक हमने एसओसी में इनमें से प्रत्येक ब्लॉक की कार्य क्षमता पर प्रकाश डाला है लेकिन अब जल्दी से एसओसी के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू सेक्शन पर एक नजर डालते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कई कोर हैं और प्रत्येक कोर निर्देशों को निष्पादित करके प्रोग्राम का हिस्सा चला सकता है यदि हम इनमें से केवल एक कोर पर ध्यान देते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक और अविश्वसनीय रूप से जटिल ब्लॉक का सेट है जो विभिन्न कार्यात्मक वर्गों को दर्शाता है और उनके बीच डेटा फ्लो कराता है इस ब्लॉक डायग्राम में एक टन जानकारी है और हम यह सब समझाने के लिए एक पूरी सीरीज बनाने की योजना बना रहे हैं लेकिन अभी के लिए यहां सीपीयू के मेमोरी कैश है निर्देश जैसे जोड़ गुड़ा लोड स्टोर तुलना कूदना और भी बहुत कुछ इस तरह प्रवाहित होते हैं और प्रोसेस डेटा इसी तरह प्रवाहित होता है और फिर यहां पर वे ब्लॉक है जो वास्तव में अरिथमेटिक ब्रांचिंग और डेटा स्टोर करता है आइए इस प्रोसेसर के बारे में कुछ अतिरिक्त चीजें जानते हैं सभी स्मार्टफोन निर्देश सेट कंप्यूटर का उपयोग करते हैं या आर आई एस सी आर्किटेक्चर और इनमें से लगभग सभी आर्किटेक्चर लाइसेंस प्राप्त हैं आम नामक कंपनी से जो एडवांस रिस्क मशीन है एप्पल जैसी कुछ कंपनियां इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या आई का लाइसेंस लेती हैं। आम से और इस आई का उपयोग अपने प्रोसेसर कोर को डिजाइन करने के लिए करें जबकि अन्य कंपनियां जैसे कॉलकॉम लाइसेंस करती है पूरा ब्लूप्रिंट जिन्हें तकनीकी रूप से आम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर कहा जाता है कॉल तब आम आमआईपी कोर को अपने एसओसी में डालती है कभी कभी कोर की डिजाइन को वैसे ही रखते हुए लेकिन काफी बार आम कोर को बदलना या अनुकूलित करके कॉलकॉम की डिजाइन आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर ढंग से और इस प्रक्रिया में कॉल सीपीयू के नाम को रिब्रांड करता है हालांकि यह सारी जानकारी अभी भी सवाल उठाती है ये एसओसी कैसे डिजाइन और निर्मित होते हैं संपूर्ण डिजाइन प्रक्रिया के बारे में बात करने के बजाय जो आप ग्रेटर कमेंट्स में पा सकते हैं हम एसओसी के दो डिजाइन सिद्धांतों पर चर्चा करने जा रहे हैं पहले सिद्धांत को हार्डवेयर एक्सेलरेशन कहा जाता है और यह सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि बजाय बहुत सारे कोर के साथ एक बहुत शक्तिशाली सामान्य पर्पज सीपी होने के कारण इस चिप में विभिन्न प्रकार के विशेष उद्देश्य वाले ब्लॉक शामिल हैं विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशेष कार्य ब्लॉक या हार्डवेयर त्वरक काफी कम शक्ति का उपयोग करते हुए अपने कार्यों की तेजी से गणना करते हैं अगर सामान्य पर्पज सीपीयू द्वारा एक ही ऑपरेशन किया गया था उदाहरण के लिए जैसा कि हमने एक तस्वीर लेने में शामिल प्रक्रियाओं के साथ देखा एसओसी का एक पूरा ब्लॉक है जो समर्पित है इमेज को संसाधित करने के लिए और फिर एक अलग ब्लॉक जिसका काम एनकोड करना है इमेज को डिकोड या कॉम्प्रेस या डी करें और यदि आप इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हैं जब आप इसे देख रहे हैं तो यह इस वीडियो को डिकॉम्रेस कर रहा है यह पार्ट इमेज लेने के लिए उपयोगी है लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए महत्वपूर्ण है और बैटरी की बचत के लिए हार्डवेयर एक्सेलरेटर का उपयोग हर चीज के लिए किया जाता है आपके स्मार्टफोन द्वारा किए गए सभी कंप्यूटेशनल रूप से गहन कार्य के लिए अगला डिजाइन सिद्धांत यह है क्योंकि स्मार्टफोन में एसोसिस का उपयोग किया जाता है जो बैटरी पर काम करते हैं एसोसिस होने पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है जितना हो सके कम बिजली की खपत करें कम बिजली की खपत वाली डिजाइन का एक उदाहरण सीपीयू में है सभी हाई परफॉर्मेंस कोर होने के बजाय चिप डिजाइनर अक्सर एक छोटी बड़ी डिजाइन संरचना का पालन करते हैं जहां दो या चार बड़े कोर हैं जो हाई परफॉर्मेंस है लेकिन अधिक बिजली की खपत करते हैं और चार छोटे कोर जो लो परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन पावर सेविंग है और आपका स्मार्टफोन इन लो परफॉर्मेंस पावर सेविंग कोर का उपयोग करने को प्राथमिकता देता है जब संभव हो इसके अलावा ट्रांजिस्टर का डिजाइन जो सबसे छोटा और मौलिक है एसओसीस का बिल्डिंग ब्लॉक है इसका डिजाइन दोनों छोटे होने के लिए विकसित हुआ है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम बिजली की खपत होती है 2020 तक ट्रांजिस्टर की लेटेस्ट तकनीक गेट ऑल अराउंड फील्ड ट्रांजिस्टर कहलाता है आइए अंत में आगे बढ़ते हैं इन चिप्स का निर्माण कैसे किया जाता है शुरू करने के लिए सभी एसओसी का शेयर का हिस्सा टीएसएमसी नामक एक कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है या ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एसओसी का एक छोटा फिर भी बढ़ता हुआ भाग सैमसंग द्वारा निर्मित किया जाता है ये माइक्रोचिप्स तीन सौ मिलीमीटर पर निर्मित होते हैं फैब नामक कारखानों में फैले सिलिकॉन वेफर्स में चिप्स की एक एरे बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर को 120 से 160 की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है दर्जनों विभिन्न मशीनों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं या चरणों तक यह माइक्रोचिप्स के निर्माण के चरणों का सबसे सामान्य क्रम है जैसा कि आप देखते हैं केवल एक दर्जन या इतने ही स्टेप्स हैं लेकिन इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है दर्जनों बार ट्रांजिस्टर के अविश्वसनीय रूप से जटिल लेआउट का निर्माण करने के लिए लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम प्रत्येक चरण की डिटेल्स भविष्य के वीडियो के लिए रखनी होंगी अभी के लिए एसओसी का नैनोस्कोपिक दृश्य ऐसा दिखता है नीचे सिलिकॉन वेफर है और अर्बो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं सिलिकॉन में और उसके ऊपर निर्मित होते हैं ट्रांजिस्टर की परत के ऊपर परतें होती हैं लोकल इंटरकनेक्ट की जो ट्रांजिस्टर को एक दूसरे से जोड़ते हैं और फिर उसके ऊपर ग्लोबल इंटरकनेक्ट है जो ट्रांजिस्टर के वर्गों को जोड़ता है यह संपूर्ण एसओसी लेआउट का एक छोटा सा अंश है आइए इन कंपोनेंट के आकार को समझने के लिए जूम आउट करें मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि ट्रांजिस्टर अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं और टेबल पर नमक का एक दाना है अद्भुत है ना यह आपको सोचने पर मजबूर करता है मानवता के अविश्वसनीय स्तरों तक पहुंचने की क्षमता विज्ञान और इंजीनियरिंग असीमित है एसओसी के इस रिव्यू के लिए यह काफी हद तक बताता है हम जानते हैं कि हमने बहुत कुछ कवर किया है लेकिन हमने केवल इसकी सतह को खरोचा है यह समी कंडक्टर चिप कैसे काम करती है और उन्हें कैसे डिजाइन और निर्मित किया जाता है हमेशा की तरह ग्रेटर कमेंट्स में अधिक विवरण है जो इंग्लिश कैनेडियन सब में पाया जा सकता है फिर से यह एक टन मदद करेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करने के लिए एक सेकेंड का समय लें चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने पहले से नहीं किया है नीचे कमेंट करें या तो एक प्रश्न पूछें या हमें बताएं कि आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें हम इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए गर्बल लैब्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ब्रांच एजुकेशन 15 कोड का उपयोग करके अपने ऑर्डर पर 15 परसेंट की छूट प्राप्त करें नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक होगा अंत में हम अपनी सभी YouTube मेंबरशिप और पेट्रियन स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं हमें इन गहन इंजीनियरिंग स्पष्टीकरणों को बनाने में मदद करने के लिए देखने के लिए धन्यवाद भूलिएगा मत ध्यान देना कॉन्सेप्ट्स की सादगी और स्ट्रक्चर की पेचीदगी को अपने आसपास की दुनिया में